नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत से बीजेपी हाईकमान से लेकर राज्य इकाइयों के नेता बेहद खुश नजर आ रहे हैं। अब आपको बता दें कि न सिर्फ खुश नजर आ रहे हैं बल्कि जीत मिलते ही कई बीजेपी विधायक एक्शन मोड में भी नजर आए। जी हाँ, बात करेंगे जयपुर हवा महल सीट से विधायक आचार्य बालमुकुंद की। आचार्य बालमुकुंद ने जैसे ही हवा महल सीट से अपना चुनाव जीता, उसके बाद उन्होंने तुरंत कार्यवाही करते हुए अधिकारियों को सड़कों से नॉन वेज स्टॉल हटाने के आदेश जारी कर दिए। जी हाँ, अपने कार्यकर्ताओं और इलाके के लोगों के बीच उन्होंने फोन पर अधिकारियों से कहा कि सड़कों पर जितने भी अवैध नॉन वेज के स्टॉल हैं उनको तुरंत हटाया जाए और कहीं ना कहीं एक तरीके से नॉन वेज के लिए एक सुरक्षित और वैध अड्डे बनाए जाए जहां पर नॉन वेज की स्टॉलें लगाई जाए। आपको बता दें कि बीजेपी एक बार फिर से देश भर में हिंदुत्व का परचम लहराना चाहती है और हिंदुत्व के परचम के आधार के ऊपर कहीं ना कहीं वे देश में तमाम जगहों पर ऐसी गतिविधियां करते हुए अब नजर आएंगे। आपको बता दें बालमुकुंद आचार्य ने एक बड़ी जीत हवा महल सीट से हासिल की है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि अब हिंदुत्व की जो राजनीति है, जिस प्रकार से यूपी में योगी आदित्यनाथ का जो रवैया रहा है उसी को अपनाते हुए तमाम योगी यहां पर नजर आ रहे हैं और निश्चित तौर पर जो बालमुकुंद आचार्य ने आदेश दिए अधिकारियों को, ये कहीं ना कहीं आगामी जो है शासन और प्रशासन की वानगी देखने को मिल सकती है। बहरहाल आपको बता दें कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है और अब मुख्यमंत्री के चेहरे पर किसके नाम पर मोहर लगेगी, इस पर कसमकश चल रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज।